फाजिल का समाचार में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर आज की सुर्खी पर। पंजाब टैक्सी ऑपरेटर यूनियन ने मांगों को लेकर डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में प्रदर्शन किया। यूनियन की मांग है कि केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाई गई पेट्रोल व डीजल कीमतों में कमी की जाए, उन्हें उचित मांगों की तरफ ध्यान दिया जाए। टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष रंजीत सिंह ने कहा है कि सरकार की तरफ से पेट्रोल व डीजल के मूल्य में की गई बढ़ोतरी से उन्हें आर्थिक हानि हो रही है। अगर उन्हें टैक्सी से संबंधित कोई भी कार्य कराना हो तो मोहाली व मुक्तसर में जाना पड़ता है। उनकी मांग है कि टैक्सी चालक ऑपरेटरों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार हर जिले में टैक्सी के लाइसेंस रिन्यू व अन्य कार्यों के लिए जिले में विंडो सिस्टम शुरू करें। मेरा नाम जीत सिंह सोनू, जिला प्रधान दफ्तर पंजाब टैक्सी यूनियन। साडियां मंगां ने जी, एक तां तेल दीआं कीमतां घट कीतियां जाण, एक जिहड़ी ओला कंपनी टैक्सी गड्डियां चला रही है इहनां ते काबू पाया जावे, विदेशी कंपनियां साडे कारोबार नूं ठप्प कर रहियां जी। ते दूजी गल इह है जी, साडियां मंगां ने जिहड़े RTO दफ्तर बनाए गए ने, जिवें मोहाली सानूं जा के PP1 परमिट चुकणा पैंदा वा, इह जिले वाइज कीता जावे। उन्होंने दस्सिया जी की गल, कहिंदे हाईवे लाइसेंस बनाउणा होवे उहदे वास्ते आपां नूं मुक्तसर, यानी कि इत्थों घट तों घट वी ज़्यादा 150 किलोमीटर चल के जाणा पैंदा। साडियां मंगां इही है कि वह अपने जिले के अथॉरिटी होनी चाहिए है कि साडी टैक्सी नाल कोई भी मतलब समस्या आउंदी है, साडे RTO साहब जां जिला दे वाइज हैगे ने उत्थे, उह सारा उहनां दा उत्थे ही सारा रिकॉर्ड होना चाहिए वा, उत्थे हर एक समस्या का हल होना चाहिए। फाजिल का समाचारों पर हम लोग आपको सुनाते हैं फाजिलका के ताज़ा समाचार। पर अभी तक अगर आपने हमारा YouTube लिंक क्लिक नहीं किया है तो प्लीज़ YouTube लिंक पर जाकर उसे क्लिक करें और हमारे ताज़े अपडेट्स पाने के लिए वहां लगा बेल आइकन भी दबाएं, ताकि जल्द से जल्द आप तक हम हर पल की खबर पहुंचाते रहें और सुनते रहें आप फाजिलका न्यूज़।